आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड मेरा एक रिसेंट रील थोड़ा सा वायरल हुआ था अबाउट जॉ लाइन। तो अगर आपने थंबनेल देखा तो आप वीडियो में आए हैं, तो नो द सीक्रेट ऑफ जॉ लाइन। तो अभी फिलहाल मैं जिम में हूँ, लाइटिंग थोड़ा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सन का वाइब आ रहा है, गोल्डन गोल्डन। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आई विल टीच यू गाइस हेयर सीक्रेट्स, सीक्रेट्स मीन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉ लाइन। सो होप यू वॉच इट टिल द एंड। ऑल्सो टुडे इज अ शोल्डर्स डे, आज सोचा था लेग्स एंड शोल्डर मारो, लेकिन थोड़ा सा डाइट के लिए, डाइट में जब वो तो थोड़ा कार्ब्स लो है मेरा, थोड़ा एनर्जी कम है और बाल भी बंधे हुए हैं, हेयर ग्रोथ हो रहे हैं अच्छे से लंबे, फॉर एस्थेटिक्स नीड लॉन्गर हेयर। सो अभी है कोई शोल्डर मेरा, उसके बाद घर में जाके सेटअप करके अच्छे से आपको सिखाऊंगा द टिप्स एंड ट्रिक्स बड़ा बेटर। Hey guys, hope you guys are doing well and thanks for tuning back to my channel. तो jawline, मेरे काफ़ी ज़्यादा experience है regarding jawline, क्योंकि मैंने मेरे बहुत phases गए हैं for jawline, because मैंने starting में मैं जब before gym I was skinny, तो मेरा jawline था, ऐसा नहीं कि नहीं था because of genetics, but वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा मतलब जो malnourished look होता है ना वैसा होता। तो फिर मैंने बल्क किया, उसके बाद मेरा फेस चबी हो गया, तो आपको पता ही है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों ने, आप अगर देख रहे हो मेरा चैनल यू नो अबाउट माई ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिगार्डिंग, तो अभी फिलहाल एक वीडियो मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक वायरल हुआ है इन इंस्टाग्राम, तो बहुत लोग पूछ रहे थे हाउ, कैसे क्या भाई, कैसे जॉलाइन कैसे ठीक करें, हाउ टू डू। एंड फिर मैं गूगल यूट्यूब में आया, फिर देखा कि दूसरे लोग का क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग जॉलाइन, एंड आई वाज लाइक इंटरनेट में इतना बुलशिट चीज़ है ना रिगार्डिंग जॉलाइन, कोई बलून फुलाने को बोल रहा है, कोई चिंगम, कुछ अजीब अजीब एक्सरसाइज, वाऊ समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, आई डोंट थिंक ये काम करता है रिगार्डिंग जॉ लाइन, कि आप अगर आपको जॉ लाइन चाहिए तो आप कुछ समथिंग उलाला समथिंग नहीं पता, बहुत अजीब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो टू गेट अ प्रॉपर जॉ लाइन इज यू ओवरऑल बॉडी फैट आपका कम होना पड़ेगा। अगर आपका बॉडी फैट होल्ड करता है ज़्यादा, तो ऑफकोर्स पहले आपका स्टमक में होल्ड करेगा, जिससे आपका स्टमक ब्लोटेड दिखेगा, फिर जब स्टमक में हो जाएगा फिर आपका फैट स्टोर यहाँ पे होगा, वाटर स्टोर यहाँ पे होगा। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाइट करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाना पड़ेगा, और आपका फैट लॉस ओवरऑल डिक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज यू नेसेसरी। अगर ये नहीं होता तो आप भूल जाओ, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ बलून फुलाना, कुछ से काम नहीं करेगा, च्युइंगम जितना भी चबाओ, आप सेंटर फ्रेश का मालिक बन जाओ, बट काम नहीं होगा। यू नीड टू लूज फैट बाय गोइंग ऑन अ डाइट, दैट इज द मेन टिप। मैंने भी बहुत च्युइंगम चबाए थे, बट नहीं पता वो काम किया कि नहीं, बट देयर इज अ टेक्निक कॉल म्यूइंग, जहाँ पे आप अपना टंग को अपने रूफ में, माउथ के रूफ में ऐसा लगा देते हो, तो तब जाके आपका कुछ होता है, बट मुझे पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ कि आपको आपका फैट परसेंटेज नीचे करना है, वो एक्सरसाइजेस काम नहीं करेगा, और डाइट। कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि अगर आप लीन भी हो तो आपका फेस कभी कभी ब्लोटेड दिखता है, बिकॉज अगर आपके डाइट में ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स या शुगर एंड सॉल्ट खाए हो आप, तो आपका बॉडी वाटर होल्ड करता है, जैसे कि एब्स, अगर आप शेडेड एब्स देखते हो ना सब लोगों का, जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं, दे आर डिप्लीटेड, टोटली डिप्लीटेड फ्लैट, तो उन लोगों का पानी होल्ड नहीं करता है। पानी होल्ड करने का जो यहाँ पे होल्ड करता है, उसका और एक रीज़न है, यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली। वाटर अगर आप ज़्यादा नहीं ड्रिंक करते हो तो क्या होता है कि बॉडी आपका वाटर होल्ड करेगा फॉर सर्वाइवल, कि बॉडी विल थिंक लाइक दिस गाय इज नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर, सो वी नीड टू होल्ड एज मच एज वाटर वी नीड टू सर्वाइव रीजन। सो आपको पानी पीते रहना होगा, आई वुड रिकमेंड अराउंड 4 to 5 liter यू शुड ड्रिंक वाटर, उससे आपका फेस थोड़ा टाइट रहेगा, स्किन भी टाइट होगा, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप थोड़ा सा डाइट फॉलो करो, लाइक अपने डाइट में कार्ब्स थोड़ा सा लो कर दो, शुगर इनटेक लो कर दो, देन यू विल सी चेंजेस, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ लो फैट परसेंटेज। उसके बाद आप अपने डाइट में कार्ब्स इनटेक
वाटर इंटेक ज़्यादा होगा, कार्ब्स एंड शुगर एंड सोडियम थोड़ा सा कम, उसके बाद आप देखोगे कि आपका एक वीक अगर आप थोड़ा सा डाइट में रहो अच्छे से, देन यू विल सी योर द चेंज इन योर फेस, गारंटी। क्योंकि 1 ग्राम ऑफ रिफाइंड कार्ब्स होल्ड्स अराउंड 3 ग्राम ऑफ वाटर। आप सोच सकते हो कि जब बंदा बल करता है तो वो कार्ब्स तो ज़्यादा लेता है, तो एज अ रिजल्ट पफी हो जाते हैं आपका फेस। कार्ब्स इनटेक लो, रिक्वायर्ड कैलोरीज खाओ और डेफिसिट विथ हाई ग्राम ऑफ प्रोटीन। आप कार्डियो भी करो अच्छे से, ज़्यादा कार्डियो करो, पानी पियो पानी, बिकॉज नॉट ओनली फॉर जॉ लाइन बॉडी बट ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको तो पानी पीना ही पड़ेगा। तो आई वुड रिकमेंड 45। सो या दैट्स रियली सिंपल, कोई बलून फुलाना या कोई फिंगम जितना कुछ बॉल, आजकल कुछ मार्केट में बॉल टाइप मिले तो ऐसा नहीं, ऐसा यू कैन ट्राई इट, इट माइट वर्क फॉर यू, बट पर्सनली एंड मेनी मोर पीपल नो दैट आई नो डोंट नेवर डिड, जिनका अच्छा अच्छा जॉलाइन है कभी एक्सरसाइज किया नहीं है क्योंकि जेनेटिक्स ने सपोर्ट किया, डाइट अच्छा है। अब टू बी ऑनेस्ट, अब जो बंदा लोग सीरियस है जिम में, दे आर फिट, उन लोगों का गारंटी वो मैं बोल सकता हूँ, सबका ही जॉलाइन होता है। तो लिव योर लाइफ, गो लूज योर फैट, बिकम एस्थेटिक, अच्छे से जिम करो, देन जॉलाइन के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा उतना, वो अपने आप आ जाएगा। एंड एन्जॉय द प्रोसेस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब, वी आर वेरी क्लोज टू 5K। सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू गाइज लाइक। चलो बाय बाय।